फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 36 इंच चेस्ट साइज़ के बोटनेक ब्लाउज की फुल स्टिचिंग करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और देखिए, इसका कटिंग का वीडियो भी मैंने पहले शेयर किया हुआ है, और वो वीडियो आपने नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए, हमेशा की तरह हम सबसे पहले पीछे का पल्ला रेडी करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम टक्स की मार्किंग कर लेते हैं। सबसे पहले इसका कटिंग करते वक्त मैंने टक्स की मार्किंग नहीं की थी, तो अभी कर लेते हैं। तो देखिए, टक्स के लिए मैंने 4.5 इंच पर मार्किंग की है और लंबाई रखी टक्स की 6 इंच। तो इस प्रकार से हम इसको मिला देंगे तिरछा। तो आधा इंच का मार्जिंग रखा है मैंने दोनों तरफ। अब देखिए, साइड से हम इसको इस तरह से तिरछा मिला देंगे, और देखिए यहाँ से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके अलग कर लेंगे। तो चलिए, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। अब इसके बाद हम टक्स पे एक कट लगाएंगे। अब इसके बाद देखिए, ये जो टक्स है इसको हम दूसरी तरफ छाप लेंगे इस प्रकार से। अब देखिए, इसको इस तरह से हम डार्क कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए, गले की जो हमने मार्किंग की है यहाँ पर, इसको भी डार्क कर लेंगे और इसको भी दूसरी तरफ छाप देंगे। तो इस प्रकार से देखिए, फोल्ड करेंगे और दूसरी तरफ इसको छाप देंगे गले को, तो इस तरह से टैप करके छाप देना है। अब इसको हम डार्क कर लेते हैं इस प्रकार से। अब देखिए, इस अस्तर वाले पार्ट को हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे, तो इसको मैंने सीधी साइड के ऊपर रखा है अस्तर वाले पार्ट को, और इस प्रकार से हम पिन लगा देंगे। तो 2-4 पिन मैंने यहाँ पे लगा दिए ताकि ये दोनों अच्छे से बैठे रहे और इधर उधर ना फिसले। तो देखिए, इस प्रकार से पिन लगा लेना है। अब इसके बाद देखिए, जो मार्किंग हमने किया है उसी के ऊपर से इस प्रकार से हमें सिलाई चलानी है। तो इस प्रकार से देखिए, गले के ऊपर हमें सिलाई लगा लेना है। अब यहाँ पर पक्का कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए, कमर की तरफ से हम आधा इंच की दूरी से एक सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से। अब यहाँ से देखिए, कमर की तरफ से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे, और देखिए यहाँ से हम पिन को हटा देंगे अभी। अब इसके बाद हम गले की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा मार्जिंग रख के बाकी का यहाँ पे कट कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे गले के ऊपर। तो देखिए, कट्स मैंने लगा दिए हैं। अब इसके बाद देखिए, अस्तर वाले पार्ट को हम इस तरह से यहाँ पे पलटेंगे, और देखिए गले के ऊपर से हमें दबाव के लिए एक सिलाई लगानी है। तो इस सिलाई को हमें अस्तर वाले पार्ट के ऊपर से चलाना है इस प्रकार से। फ्रेंड्स, देखिए, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बोटनेक ब्लाउज की सिलाई करना बता रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, आप आसानी से बोटनेक ब्लाउज की सिलाई करना सीख जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम इस प्रकार से अस्तर वाले पार्ट के ऊपर से गले के ऊपर एक दबाव के लिए सिलाई चलाएंगे। अब यहाँ पर हम धागे को कट कर लेंगे इस प्रकार से। अब देखिए, इसके बाद हम कमर की तरफ भी इसी प्रकार से सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए, अस्तर वाले पार्ट के ऊपर से इस प्रकार से दबाव के लिए सिलाई चला देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से अगर आप सिलाई लगाते हैं तो क्या होता है कि हमें उल्टी साइड पलटने में अस्तर को बहुत ही आसानी हो जाती है, और गले में भी अच्छी फिनिशिंग रहती है। और देखिए, अभी हम कमर की तरफ भी इसी प्रकार से सिलाई लगा रहे हैं, तो ये कमर की तरफ भी हम इसको अस्तर को आसानी से पलट सकेंगे उल्टी साइड, ठीक है। तो देखिए, इस प्रकार से हमने दोनों तरफ सिलाई लगा दी है, गले के ऊपर और कमर की तरफ। अब इसको हम सीधी साइड पलटते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, हमने इसको पलट दिया। अब आप देख सकते हैं हमारा जो ये गला है कितनी आसानी से यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे सेट हो चुका है। अब देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, गले के ऊपर से एक सिलाई और लगा देंगे। तो देखिए, इस प्रकार से अच्छे से फैब्रिक को जमा के रखना है हाथ से, और यहाँ पर गले के ऊपर अच्छी फिनिशिंग के साथ एक सिलाई लगा देना है। देखिए, इस प्रकार से सिलाई लगाते हैं गले के ऊपर तो एक अच्छी फिनिशिंग रहती है। तो देखिए, सिलाई हमने लगा दी है। अब इसके बाद देखिए, अस्तर वाले पार्ट और मेन फैब्रिक को हम साइड से अटैच कर लेते हैं। तो देखिए, अच्छे से यहाँ पर जमा के रखेंगे हाथ से, और दोनों पार्ट्स को बराबर मिला के रखते हुए हमें अस्तर और मेन फैब्रिक को यहाँ पर अटैच कर लेना है साइड से। तो इसी प्रकार से हम दूसरे साइड भी कर लेंगे, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस प्रकार से कट कर लेंगे, ठीक है। अब दोनों तरफ इस प्रकार से फिटिंग के निशान के ऊपर कट लगाना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम टक्स डाल देंगे। तो देखिए, आधा इंच का मार्जिन रखते हुए हमें यहाँ पर टक्स में सिलाई डाल देनी है इस प्रकार से। तो देखिए, दोनों टक्स में हम सिलाई डाल देंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने सिंगल सिलाई डाली, आप चाहे तो डबल सिलाई भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद कमर की तरफ हम आधा इंच की दूरी से एक और सिलाई लगा देंगे, जिससे कि ये टक्स भी अच्छे से यहाँ पे बैठे रहेंगे।
तो देखिए इस प्रकार से हमारा ये पीछे का पल्ला अभी रेडी हो गया है। इसको अभी हम साइड में रखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम एक मार्किंग करके रख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए सेंटर पे हमने मार्किंग किया। अब इसके बाद देखिए प्रिंसेस कट वाला पार्ट लेंगे और इसको इस तरह से रखेंगे। तो इसको हमने उल्टी साइड के ऊपर रखा हुआ है अस्तर वाले पार्ट को, और देखिए साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक इस प्रकार से कट कर लेंगे। तो दोनों को अटैच करने के बाद दोनों पार्ट्स में इस प्रकार से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद बस्ट का जो पॉइंट होता है वहाँ पर एक एक कट लगाएंगे। अब देखिए प्रिंसेस कट का दूसरा वाला पल्ला लेंगे और इसके बाद देखिए यहाँ पर हम गले को थोड़ा डार्क कर लेंगे और इसको इस तरफ छाप देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने दूसरी तरफ गले को छाप दिया। अब यहाँ पर हम इसको डार्क कर लेंगे इस प्रकार से। अब दोनों पार्ट्स को देखिए मैंने इस प्रकार से मेन फैब्रिक के ऊपर रखा हुआ है, मेन फैब्रिक की सीधी साइड के ऊपर रखा हुआ है इसको। अब यहाँ पर हम गले के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा देंगे। अब दूसरे वाले पार्ट में भी इसी प्रकार से सिलाई लगा देंगे। तो दोनों पार्ट्स में हमने गले के ऊपर सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखेंगे दोनों पार्ट्स में और बाकी का कट कर लेंगे। तो इस प्रकार से छोटे छोटे कट्स लगाएंगे गले के ऊपर। अब इसके बाद देखिए अस्तर वाले पार्ट को पलट के इस प्रकार से इसके ऊपर से सिलाई लगानी है। अब इसको हम उल्टी साइड पलटेंगे अस्तर वाले पार्ट को। अब यहाँ पर गले के ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। इसी प्रकार से देखिए हमें दूसरे पार्ट में भी करना है, ठीक है। तो देखिए इसको अब हम मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच करने के बाद यहाँ से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने इस तरफ हमें चेन लगाना है। तो इस प्रकार से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा हुआ है, तो आधा इंच तक है ये। अब इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम सिलाई लगा देते हैं सबसे पहले। अब इसी प्रकार से हमें दूसरे वाले पल्ले में भी करना है। तो देखिए दोनों पल्लों में मैंने यहाँ पर इस प्रकार से सिलाई लगा दी है। तो यहाँ पर हम आधा इंच का इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं, क्योंकि हमने कटिंग करते वक्त आधा इंच का मार्जिन रखा हुआ था चेन लगाने के लिए। अब इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। सबसे पहले हम साइड वाला पार्ट यहाँ पर अटैच कर लेते हैं प्रिंसेस कट का। तो इस प्रकार से देखिए हम इसके ऊपर रखेंगे और दोनों पार्ट्स के कट्स आमने सामने होने चाहिए इस प्रकार से। और देखिए यहाँ से हम इसको सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए दोनों कट्स को एक के ऊपर एक रखना है और उसके बाद ही नीचे से इस प्रकार से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है, या फिर आप कट से ही सिलाई लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने एक सिलाई लगा दी है और यहाँ पर ये जो बाहर की तरफ निकल रहा है एक्स्ट्रा फैब्रिक, इसको कट करके अलग कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से अच्छा फिनिशिंग कर लेंगे आर्मोल के ऊपर। अब इसके बाद यहाँ पर हम डबल सिलाई चला देंगे इस प्रकार से। तो देखिए इस प्रकार से हमने डबल सिलाई लगा दी है। तो देखिए इस प्रकार से हमने इस तरफ का ये पल्ला रेडी कर लिया। अब दूसरी तरफ का भी पल्ला रेडी कर लेंगे इसी प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर हमने दोनों पार्ट्स को यहाँ पर अटैच कर लिया। अब यहाँ से भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे आर्मोल के ऊपर से इस प्रकार से। अब यहाँ पर भी डबल सिलाई चला देंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमने दोनों पार्ट्स को रेडी कर लिया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें बहुत ही ज़रूरी काम करना है। देखिए पीछे का पल्ला लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से पीछे का पल्ला लिया मैंने। अब इसके ऊपर हम इसको रखेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर ये कितना बड़ा है, ठीक है। तो सामने के पल्ले को हमें यहाँ पर चेक कर लेना है कि कितना बड़ा है। अगर ज़्यादा बड़ा हो तो उसको वहाँ पर हम बराबर कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से शोल्डर मिला के रखेंगे और फिटिंग के जो कट्स हैं उनको भी अच्छे से मिला के रखेंगे। और नीचे की तरफ देखिए यहाँ पर ये आधा इंच एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और बाकी का जो एक्स्ट्रा है आधा इंच उसको कट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर कमर पट्टी अटैच करेंगे तो ये आधा इंच जो हमने छोड़ा है वो बराबर हो जाएगा। अब इस प्रकार से दोनों पार्ट्स को रखेंगे सीधी साइड के ऊपर, सीधी साइड रखेंगे और इस प्रकार से एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से कट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया। अब इसको देखिए इस प्रकार से रखेंगे एक के ऊपर एक बराबर। और देखिए इस प्रकार से बराबर मिला के रखने के बाद ऊपर से हम नीचे की तरफ बिल्कुल दो इंच पर इस तरह से एक निशान लगाएंगे,
ये देखिए इस प्रकार से, और आधा इंच की दूरी से यहाँ पर एक सिलाई चला देंगे, तो ये सिलाई हमारी पक्की सिलाई रहेगी। और देखिए जो मैंने मार्किंग किया है वहाँ पर इस तरह से अच्छे से पक्का कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद नीचे की तरफ हमें सिलाई लगाते हुए आना है, तो ये सिलाई कच्ची रहेगी, कच्ची सिलाई लगाना है नीचे की तरफ इस प्रकार से। यहाँ पर हमने कच्ची सिलाई लगा दी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम उल्टी साइड पलट लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो मार्जिंग वाला हिस्सा है इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे और नाखून से क्रिच कर लेंगे इसके ऊपर। ना जो मार्किंग हमने किया था 2 इंच पर, इसको भी यहाँ पे लगा लेना है, कर लेना है 2 इंच पर। अब चेन मैंने लिया है, चेन के ऊपर भी मैंने इस प्रकार से मार्किंग कर लिया। अब चेन को हमें इस प्रकार से उल्टा रखना है इसके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर हम पिन लगा देंगे ताकि हमारी जो ये चेन है इधर उधर ना फिसले। तो इस प्रकार से देखिए मैंने पिन लगा दिया, एक पिन और लगा देंगे बीच में, तो दोनों पिन मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे चेन के ऊपर से। तो देखिए हमने जो मार्किंग किया है 2 इंच पर, वहाँ तक हमें इस प्रकार से सिलाई लगाते हुए आना है और इस तरह से घुमाएंगे इसको, और यहाँ से और नीचे की तरफ सिलाई लगाते हुए आएंगे। तो देखिए इस प्रकार से चेन के ऊपर से पक्की सिलाई लगानी है। तो देखिए सिलाई हमने लगा दी है चेन के ऊपर से। अब दोनों पिनों को यहाँ पर हम निकाल देंगे। अब चलिए इसको सीधा कर लेते हैं, और देखिए जो हमने कच्ची सिलाई लगाई हुई थी उसको हम खोलेंगे, ठीक है। तो जहाँ तक हमने पक्की सिलाई लगाई हुई है वहाँ तक इसको खोल लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई खोल दी है। अब मैं इसको आपको खोल के दिखाती हूँ चेन को, ठीक है। तो देखिए चेन इस प्रकार से हमारी खुलेगी। अब नीचे से देखिए एक्स्ट्रा चेन जो है उसको कट कर लेंगे और ऊपर से भी कट कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से मैंने यहाँ पे 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है, और इसको हम सीधे साइड के ऊपर रखेंगे और इस प्रकार से आधा इंच की दूरी से सिलाई लगा देंगे। अब दूसरे वाले पार्ट में भी हम इसी प्रकार से कमर पट्टी अटैच कर लेते हैं। देखिए जहाँ पर हमारे टक्स लगे हुए होते हैं वहाँ पर इस प्रकार से आप प्लीट्स डालेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मैंने प्लीट्स डाल दी है, दूसरे वाले पार्ट में मैंने नहीं डाली थी, ठीक है। अगर नहीं भी डालते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर प्लीट्स डाल देते हैं आधा आधा इंच की तो अच्छा रहता है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने पट्टी को पलटा और सीधी साइड के ऊपर से इस प्रकार से ऊपर से दबाव के लिए सिलाई लगा देंगे। अब देखिए एक्स्ट्रा पट्टी को मैंने यहाँ पर कट कर लिया। अब साइड से हम इसको थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लेंगे उल्टी साइड। दूसरे वाली पट्टी में भी हम इसी प्रकार से फोल्ड कर लेंगे। अब इस पट्टी को हम उल्टी साइड पलट देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक्स्ट्रा जो पट्टी है उसको मैंने कट कर लिया। अब देखिए पट्टी को हम उल्टी साइड पलटेंगे तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हमें इसको तिरछा फोल्ड करना है, ताकि जो हमने चेन लगाई हुई है वो यहाँ पर दब ना जाए, इसलिए इसको हम तिरछा फोल्ड करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए कॉर्नर इसके फोल्ड कर लेंगे हम, और इस प्रकार से पट्टी को पलटेंगे उल्टी साइड और एक सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर मैंने पक्की सिलाई लगाई हुई है, आप चाहे तो कच्ची सिलाई भी लगा के बाद में तुरपाई कर सकते हैं हाथ से। अब यहाँ पर देखिए एक तरफ हमने पट्टी को पलटा, अब दूसरी तरफ भी हम इसी प्रकार से पट्टी को फोल्ड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार से जब आप बोटनेक ब्लाउज में चेन लगाते हैं तो इसका एक फ़ायदा है, आप जब चाहे ब्लाउज को टाइट कर सकते हैं और जब चाहे ढीला कर सकते हैं। तो इस ट्रिक को आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो देखिए दोनों पार्ट्स में हमने पट्टी को पलट के इस प्रकार से सिलाई लगा दी है। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने यहाँ पे चेन को अटैच कर लिया। देखिए इस प्रकार से हमारी चेन लग चुकी है। अब देखिए पीछे का पल्ला लेंगे और सामने के पल्ले को इस प्रकार से रखेंगे, सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखेंगे और दोनों शोल्डर्स को हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए शोल्डर्स में हमने एक एक सिलाई लगा दी है। अब देखिए इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद शोल्डर के ऊपर से हम ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे, ये देखिए इस प्रकार से। अब दूसरे वाले शोल्डर के ऊपर भी हम इसी प्रकार से सिलाई चला देंगे। देखिए दोनों शोल्डर्स के ऊपर हमने सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद देखिए हम यहाँ पर बीचों बीच जो हमने मार्किंग की थी पीछे वाले पल्ले में, इसको हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम चेन को खोल देते हैं।
और देखिए यहाँ पर हम इसको दोनों साइड्स को बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो जब भी हम ब्लाउज की फिटिंग करते हैं तो सबसे पहले हम आस्तीन लगाने से पहले इस प्रकार से दोनों साइड्स को बराबर करते हैं। तो देखिए कमर का 4 पार्ट लेंगे 8 इंच और बाकी एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे और बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे इस प्रकार से। और देखिए इसी प्रकार से हम दूसरे साइड भी कर लेते हैं। तो देखिए जब भी आप आस्तीन लगाते हैं ब्लाउज में तो इस प्रकार से सबसे पहले दोनों साइड्स को बराबर कर लेना है। आर्मोल की तरफ भी आपका ब्लाउज बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखिए आर्मोल की तरफ भी बराबर कर लिया और दोनों साइड्स को बराबर कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम आस्तीन अटैच कर लेंगे। तो देखिए आस्तीन को मैंने इस प्रकार से पहले से रेडी कर लिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको अटैच करेंगे। तो देखिए पीछे वाले पल्ले की तरफ हम आस्तीन को चेक कर लेते हैं और उसके बाद सामने के पल्ले की तरफ भी आस्तीन को चेक करेंगे कि हमारी आस्तीन जो है बराबर यहाँ पर आ रही कि नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आस्तीन जो है पीछे पल्ले की तरफ 2 पॉइंट एक्स्ट्रा हो रही है और सामने की तरफ 2 पॉइंट कम हो रही है। तो इसको देखिए हम 2 पॉइंट आगे की तरफ सरका के यहाँ पर आस्तीन को लगाएंगे। तो देखिए शोल्डर से मैंने शोल्डर का जो जॉइंट है वहाँ से 2 पॉइंट आगे की तरफ मार्किंग किया और वहीं से हम आस्तीन को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से अगर आपका आस्तीन 2 पॉइंट कम ज़्यादा होता है आगे पीछे की तरफ तो इस प्रकार से थोड़ा 2 पॉइंट आगे की तरफ सरका के आप आस्तीन को अटैच कर सकते हैं। तो आपकी आस्तीन जो है बराबर लग जाएगी और आस्तीन जो है कहीं पर भी छोटा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ पे आस्तीन को अटैच कर लिया। अब यहाँ पर हम डबल सिलाई चला देते हैं आस्तीन के ऊपर से। अब यहाँ पर देखिए एक तरफ का हमने आस्तीन लगा दिया, इस पर हम इस प्रकार से नाखून से क्रीच कर लेंगे। इसी प्रकार से दूसरे तरफ का भी आस्तीन हमने अटैच कर लिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम सीधी साइड के ऊपर से साइड से एक सिलाई चला देंगे किनारे किनारे। तो यहाँ पर मैंने आस्तीन तक ही बस सिलाई लगाई है, आस्तीन के ऊपर से नहीं लगाया था। इसी प्रकार से दूसरे साइड भी हम सीधी साइड से सिलाई लगा देंगे। सीधी साइड से सिलाई लगाने के बाद इसको इस प्रकार से उल्टा कर लेंगे और उल्टा करने के बाद किनारे किनारे से एक सिलाई चला देंगे। तो इसी प्रकार से हमें दोनों तरफ कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आस्तीन के ऊपर से एक्स्ट्रा फैब्रिक इस प्रकार से कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम कमर का 4 पार्ट लेंगे, 32 इंच कमर है तो उसका 4 पार्ट लेंगे यहाँ पर 8 इंच इस प्रकार से, और चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे। ठीक है, 38 इंच चेस्ट है तो 9.5 इंच पर यहाँ पर मार्किंग करेंगे। अब आर्मोल यहाँ पर 8 इंच है तो बराबर है, देखिए 8 इंच आ रहा है। अब इसके बाद हम मोरी का मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो 5.5 इंच आस्तीन की मोरी है तो 5.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और तीनों निशानों को मिलाते हुए हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाई डाल देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा फास्ट बता रही हूँ ब्लाउज की फिटिंग करना। अगर आप बहुत ही अच्छे से और डिटेल में जानना चाहते हैं ब्लाउज की फिटिंग कैसे करते हैं तो ब्लाउज फिटिंग से संबंधित और भी वीडियोज़ मैंने अपने चैनल पर शेयर किए हुए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया और देखिए दोनों तरफ हमने इस प्रकार से ब्लाउज की फिटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगली वीडियो में। थैंक यू।